उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कोरोना तेज रफ्तार के साथ पांव पसार रहा है। अब इसका असर राजनीतिक दलों पर भी देखने को मिलने लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परेशानी की बात यह है कि राधा मोहन सिंह एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की उस बैठक में शामिल थे जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के 24 बड़े नेता मौजूद थे। ये सभी नेता चुनाव समिति के सदस्य हैं और चुनाव प्रचार में अहम हिस्सेदारी निभाने वाले हैं। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। यही कारण है कि अब बीजेपी के ये बड़े नेता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि राधा मोहन सिंह के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बीजेपी की मीटिंग में जो भी नेता शामिल थे उन्हें आइसोलेट हो जाना चाहिए, लेकिन वे घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान नहीं रोका गया तो यह घर घर कोरोना वायरस फैलाओ अभियान साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई सारे मंत्री, जबकि जो कल भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी तमाम ये नेता उस बैठक में उपस्थित थे। उसके बाद इनका अभियान जो घर घर जा रहा है, ये घर घर लोगों से भीड़ भाड़ साथ मिल रहे हैं। हमें चिंता है उत्तर प्रदेश के लोगों की कि भाजपा के लोग जो संक्रमण के बीच से आए हैं लोगों के बीच घर घर जाकर घर घर कोरोना ना फैला दें। इसलिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इनको कोविड नियमों के पालन करते हुए उसके नियमों के अनुरूप इनकी टेस्ट कराने और इनको होम क्वारंटाइन करने की मांग की है। और स्वयं राधा मोहन जी ने कहा है जो उनके संपर्क में आए हैं वो कोविड की जांच कराएं और नियम कहता है होम क्वारंटाइन हो। तो भाजपा अपना घर घर कोरोना फैलाने वाला अभियान रोके, कोविड नियमों का प्रियंका गांधी जी की तरह से पालन करे। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर ऐसा ही आरोप लगाया है। समाजवादी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमित बीजेपी नेता के संपर्क में आए जिन लोगों को 3-3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए था वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। अब इन नेताओं के खिलाफ कौन FIR करेगा? बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह जी कोविड पॉजिटिव निकले, कल ही वो अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, बाकी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन FIR करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए।